हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना? जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नो इफ नो कैन ओनली रोहित द हिटमैन। सो गाइस, अभी हम लोग कवर करेंगे जो NBA जी लीग का मैच होने वाला है, ओक्लाहोमा सिटी ब्लू वर्सेस सांता क्रूज वॉरियर्स के बीच में ये मैच खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो गाइस, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है? और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस जरूर करना है, क्योंकि जो कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप रिलेटेड और इंजरी रिलेटेड ये सारे अपडेट मेरे यूट्यूब की वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस करना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले जैसे ही वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन, ठीक है? क्योंकि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होते हैं लास्ट मिनट में या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है, तो वो सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए सीधा बात करते हैं मैच के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो ओक्लाहोमा सिटी का लास्ट मैच हुआ था उसके स्टैट्स के बारे में। देख सकते हो यहाँ पे आप, आर एडवर्ड्स थे, 19 मिनट्स प्ले किया था, 9 points, 3 rebounds, 4 rebounds उसने लिए थे। बाद में एम फ्रेजियर 19 मिनट्स में 15 points, 2 assists, 5 rebounds। एम किबिनजे 2 मिनट्स में 0 points, 0 assists, 0 rebounds। जे होड 4 मिनट्स में 3 points। एस हॉप्सन 25 मिनट्स खेले थे, 3 points, 4 assists, 4 rebounds। जे जाउर्स्की 11 मिनट्स में 3 points, 1 assist, 1 rebound। वी क्रिएजी 26 मिनट्स में 9 points, 7 rebounds, 6 assist। टी मैन 9 मिनट्स में 2 points, 2 assist, 3 rebounds। उसके बाद में आए रॉबी 29 मिनट्स में 19 points, 5 rebound, 5 assist, 11 rebound। ओसार 4 मिनट्स में 0 point, 1 assist, 2 rebounds। जेड सिम्सन 13 मिनट्स में 11 points, 3 assist, 0 rebounds। उसके बाद में एल वाटर्स 4 मिनट्स में उसने 3 पॉइंट्स स्कोर किए थे। पी वॉटसन 23 मिनट्स में 13 पॉइंट्स, 1 असिस्ट, 2 रिबाउंड्स। ए विगिंस 26 मिनट्स में 15 पॉइंट्स, 2 असिस्ट, 5 रिबाउंड, ठीक है? उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो सांता क्रूज वॉरियर्स का लास्ट मैच हुआ था उसके स्टैट्स के बारे में। जे बेल यहाँ पे आप देख सकते हो 31 मिनट्स में 10 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 9 रिबाउंड। चियोजा लास्ट मैच नहीं खेले थे। जे डॉटिन 37 मिनट्स में 20 points, 6 assists, 5 rebounds। एल फिगोरा 37 मिनट्स में 16 points, 2 assists, 4 rebounds। जे कुमिंगा 37 मिनट्स में 15 points, 4 assists, 6 rebounds। लेडॉक्स 31 मिनट में 6 points, 3 assists, 6 rebounds। एस मगुअबे 18 मिनट्स में 2 points, 2 rebounds। मेम्बर्टन नहीं खेले थे लास्ट का मैच। रॉस 14 मिनट्स में 10 points, 0 assists, 3 rebounds। स्टांसबेरी 15 मिनट्स में 9 points, 2 assists, 1 rebound। जेट 8 15 मिनट्स में 4 points, 3 assists, 3 rebounds। टोपाने लास्ट का मैच नहीं खेले थे और वेदरस्पून भी लास्ट का मैच नहीं खेले थे। तो गाइस, दोनों टीमों के स्टैट्स मैंने आपको डिटेल में बता दिए। सीधा हम लोग बात करेंगे टीम के प्रोबेबल कॉम्बिनेशन की तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हो पॉइंट गार्ड सीन से यहाँ से मैंने पिक किया है जेड सिम्पसन को। के लीडक्स यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप क्रेडिट मैनेज कर सकते हो उसके लिए तो अपने टीम में जरूर पिक करना। टीम वन आपको बेंच से खेलते हुए देखेंगे, स्टांसबरी आपको बेंच से देखेंगे, दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है। शूटिंग गार्ड से मैंने पिक किया आर एडवर्ड्स को, वी क्रिएची को और जे डॉटिन को, ठीक है? जे डॉटिन बॉयज आज के मैच के लिए SPP का बेस्ट पिक आपके लिए होने वाला है। SF सेक्शन से यहाँ से मैंने पिक किया एम फ्रेजियर को, ठीक है? यहाँ से दोनों ऑप्शन आपके लिए अच्छे है। टॉपा ने तो लास्ट का मैच खेले नहीं थे गाइस, ए विगेंस बढ़िया परफॉर्मेंस था, लेकिन क्रेडिट के हिसाब से मैनेज नहीं किया है मैंने उसको अपने टीम में। अगर आप लेना चाहते हो तो जरूर रख सकते हो। मैंने यहाँ से पिक किया है एम फ्रेजियर को। बाद में अगर आप देखोगे तो PF सेक्शन से यहाँ से मैंने पिक किया है जे कुमिंगा को, आए रॉबी को, ठीक है? पी वॉटसन आपके लिए यहाँ से बढ़िया पिक साबित हो सकते हैं, वो भी बढ़िया पिक है। ये देख सकते हो यहाँ पे जे कुमिंगा, आए रॉबी को यहाँ से मैंने पिक किया है। सेंट्रल सेक्शन से अगर बात करूँगे तो जॉर्डन बेल को मैंने पिक किया है यहाँ से। डी विल्सन लास्ट का मैच नहीं खेले थे, एस मॉक बेल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, सेम फॉर सार, तो यहाँ से सेफ पिक आपके लिए होने वाले हैं जे बेल। अगर SPP की बात करेंगे तो SP मैंने पिक किया है जे डॉटिन को, PP मैंने बनाया जे बेल को। यहाँ से आए रॉबी और कुमिंगा भी आपके लिए PP के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है? कुमिंगा अगर ये मैच नहीं खेलते तो बट ऑब्वियस बेल के साथ आपको जाना है PP के लिए, रॉबी भी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा आज के मैच के लिए। तो ये होने वाला मेरा टीम का प्रीव्यू, ये मेरी फाइनल टीम नहीं होती है गाइस, ठीक है? अगर लाइनअप के बाद कुछ चेंजेस होती है या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो उसके रिलेटेड सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो अकॉर्डिंग टू फाइनल लाइनअप या चेंजेस आप आपके टीम में चेंजेस कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक जरूर कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।